Hello everyone, welcome to Career Counseling Session. In this session, I'm going to talk about the career opportunity that is available to a commerce stream student. Yes, I'm going to talk about the career opportunity that is financial analyst. आज हम जानेंगे कि financial analyst किस तरह की career opportunity है जिसके बारे में आप सोच सकते हैं. And as a financial analyst, आप career option कैसे select कर सकते हैं, कैसे आप एक financial analyst बन सकते हैं, इसके बारे में हम discuss करेंगे. आज हम कुछ few aspects को discuss करेंगे. So let's begin the session. So first of all, let's know who is financial analyst. Financial analyst होता कौन है, इसके बारे में discuss करेंगे. Financial analyst एक equity research analyst होता है and ये एक research expert होता है. अब अगर हम बात करें finance के field में research का क्या काम है, अभी हम देख रहे हैं कि अभी finance की field बहुत dynamic हो चुकी है. किस aspect में हम देखते हैं, यहाँ पे पहले जो हमारे पास एक दो रोल्स थे फाइनेंस में, जैसे अकाउंटेंट हो गया, या फिर हम कह सकते हैं बैंक में बात होगी जो एक ये असेस करता है कि किन कंपनीज को लोन देना है, किन कंपनीज को नहीं देना है, किन इंडिविजुअल्स को लोन देना है, किन्हें नहीं देना है, किन एस्पेक्ट्स पर लोन प्रोवाइड करना चाहिए, नहीं प्रोवाइड करना चाहिए. बट अभी हम अगर देखें फाइनेंस सेक्टर आपका लिमिटेड नहीं रह गया है, इट इज ग्रोइंग डे बाय डे. किस एस्पेक्ट में, अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट, यस, लोनिंग के एस्पेक्ट में, मर्जर एंड एक्विजिशन के एस्पेक्ट में, इंडिविजुअल से लेके एक एमएनसी के एस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो फाइनेंस रोल इज ग्रोइंग डे बाय डे. अब यहाँ पे जो मेन रोल आता है वो किसका आता है, इन सभी एस्पेक्ट्स को स्टडी करना, साथ में ये भी देखना कि इस ग्रोथ के पीछे जो फैक्टर्स हैं एंड जो ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पे वर्क किया जा सकता है, जो इस ग्रोथ को और बेटर बना सके या इनकी एनालिसिस की जा सके, ये सारा रिसर्च वर्क कोई पर्सन तो करता होगा, वो पर्सन है फाइनेंशियल एनालिस्ट. अगर हम देखें स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, वी ऑल नो व्हाट इज स्टॉक मार्केट. आप सभी जानते हैं कि एक ऐसी मार्केट है जहां पे फाइनेंशियल सिक्योरिटीज, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की ट्रेडिंग होती है, सेलिंग एंड परचेज होती है. वहां पे अमाउंट इन्वेस्ट करना रिस्की तो है, बट साथ ही साथ एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड की जाती है टू कंपनीज, टू इंडिविजुअल, टू ग्रो देयर मनी वैल्यू. तो यहाँ पे अगर हम देखें स्टॉक मार्केट एक ऐसा मार्केट है जिसमें बहुत सारे फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं एंड वहां पे वेरियस डिसीजंस भी लिए जाते हैं बाय द कंपनी, इंडिविजुअल, राइट. तो कंपनी किस तरह के डिसीजन लेती है, कंपनी इस तरह के डिसीजन लेती है कि उन्हें शेयर्स इशू करने हैं, नहीं करने हैं, इसके रिगार्डिंग कितने शेयर्स किस रेट पे इशू करने हैं, इसके बारे में किस तरह से सिक्योरिटी मार्केट का यूज करके कंपनी को फाइनेंसिंग दिला सकते हैं, इसके बारे में रिसर्च. अब अगर बात करें इंडिविजुअल के पार्ट पे, इंडिविजुअल मतलब वो पर्सन जो वहां पे इन्वेस्ट करता है, अब उसको भी तो एक आइडिया चाहिए ना किस सिक्योरिटी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, किस में नहीं करना चाहिए. अगर इन्वेस्ट कर रखा है, होल्ड करें, सेल करें, ठीक, तो ये सारी डिसीजन मेकिंग में क्या जाती है, बहुत ही इन डेप्थ रिसर्च जाती है. वी ऑल वांट कि एक ऐसा इंटरमीडियरी हो, एक ऐसा पर्सन हो जो हमें इस चीज में हेल्प कर सके, क्योंकि हमें पता है विद द राइट नॉलेज वी कैन हैव बेटर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दैट वी आर गोइंग टू मेक इन द सिक्योरिटीज मार्केट. सो द पर्सन इन्वॉल्वड बिहाइंड दीज रिसर्च इज कॉल्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट. अब अगर हम और जाने फाइनेंशियल एनालिस्ट के बारे में तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, फाइनेंशियल एनालिस्ट एक रिसर्च एक्सपर्ट होता है. किस फील्ड में वो रिसर्च करता है, रिसर्च इन द फील्ड ऑफ लाइक वी हैव सीन, लाइक जस्ट आई हैव टोल्ड यू, इन द फील्ड ऑफ स्टॉक मार्केट, सिक्योरिटीज मार्केट में. एंड वहां हमने देखा कि कैसे, वहां हमने देखा कि कैसे एक कंपनी या फिर एक इन्वेस्टर हम बात कर सकते हैं, या फिर द कंपनी दैट इश्यूज द सिक्योरिटीज इन द मार्केट, जो यहाँ पे बायर एंड सेलर है उनके बीच में जो ट्रांजैक्शंस होती हैं, इसके रिगार्डिंग एक प्रॉपर रिसर्च की जरूरत होती है ताकि एक पर्सन वहां पे क्या कर सके, ज्यादा से ज्यादा रिटर्न पा सके, उसका अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट लॉस में ना जाए, ठीक है. सो यहाँ पे ये सारी रिसर्च करने का पार्ट किसका है, फाइनेंशियल एनालिस्ट का है. मैंने कंपनी हायर्स, मैंने स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी इवन हायर दी फाइनेंशियल एनालिस्ट एंड वो उन्हें इस तरह के रिसर्च का पार्ट प्रोवाइड करती हैं. ये रिसर्च एक्सपर्ट सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है, बल्कि कंपनीज भी इन्हें हायर करती हैं. मेजॉरिटी कंपनी का ही रोल होता है, एमएनसीज या फिर ऐसी कंपनी जो स्टॉक मार्केट या फिर अदर एस्पेक्ट में भी अगर हम बात करें, जैसे बजट एनालिसिस, उनके कंपनी के इंटरनल मैटर्स और एक्सटर्नल फाइनेंस मैटर, इनमें भी एक फाइनेंशियल एनालिस्ट रिसर्च एक्सपर्ट की तरह काम करता है.
कैसे? देखो, अगर हम बात करें अपार्ट फ्रॉम द स्टॉक मार्केट, अगर हम बात करें, देखो कंपनीज में और क्या क्या मेजर रोल्स होते हैं, किसी कंपनी को टेक ओवर करना, मर्जर, एक्विजिशन, या फिर हम कह सकते हैं किसी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना, कंपनी की बजटिंग करना, ठीक है, या हम देखेंगे फंड एलोकेशन करना, फाइनेंस कहाँ से रेस करने हैं, किस रेट पे रेस कर सकते हैं, किन सोर्सेस से रेस कर सकते हैं, इसके बारे में रिसर्च करना, कंपनी अभी करंट किस पोजीशन पे है एंड उसे आगे ग्रो करने के लिए और कितने फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी, ये सारी चीज़ों का भी, इन सब चीज़ों के एस्पेक्ट में भी, इन सभी एस्पेक्ट में भी क्या करना, रिसर्च करना। तो ये काम कौन पर्सन करेगा? दिस वर्क विल बी डन बाय द फाइनेंशियल एनालिस्ट। इसीलिए फाइनेंशियल एनालिस्ट किसी एक फील्ड में काम नहीं करते हैं, मल्टीपल एस्पेक्ट में काम करते हैं। अब यहाँ पे जैसे हम बात कर सकते हैं बजट एनालिस्ट, अकाउंटिंग एनालिस्ट, टैक्सेशन स्पेशलिस्ट, ठीक है, यहाँ पे टैक्सेशन के रिगार्डिंग भी सजेशन प्रोवाइड करना, एंड हम यहाँ पे कह सकते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने के एस्पेक्ट में, एंड देयर आर मेनी अदर रोल्स जिन्हें हम आगे के सेशन में जानेंगे कि फाइनेंशियल एनालिस्ट कौन कौन से जॉब रोल पे काम करते हैं, उनकी जॉब प्रोफाइल क्या क्या होती है, इसके बारे में हम बात करेंगे आगे के सेशन में। नेक्स्ट, अ फाइनेंशियल रिसर्च एनालिस्ट विल यूज मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल टूल अलॉन्ग विद द रिसर्च मेथोडोलॉजी टू कंप्यूट द पोटेंशियल रिटर्न फ्रॉम द डिफरेंट एसेट्स, the asset that company has, even the individual asset. Individual asset मतलब आप, मैं, हमारे जो भी assets हैं, and हमें यहाँ loan की ज़रूरत है तो हम loan apply करने के लिए जाते हैं, ठीक है। So यहाँ पर भी एक आपका finance के aspect में हम बात करें, एक research involved है। किस तरह की research? कि अगर हम बात करें कि किसने एक loan पर कितना premium amount होना चाहिए, ठीक है, कितना एक प्रीमियम एक इंडिविजुअल से रिसीव करना चाहिए, इसके बारे में एक रिसर्च होगी। तो बैंक में भी फाइनेंशियल रिसर्च का काम है, ठीक है, रिस्क असेसमेंट में आता है आपका। तो ये जो लोन्स के साथ रिस्क इन्वॉल्व होता है, या फिर हम बात करें ट्रेडिंग की, या किसी भी इन्वेस्टमेंट स्कीम में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो रिस्क तो सब में है। किस चीज का रिस्क है? मनी डूबने का, ठीक है, आपके अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट के लॉस का रिस्क है। एंड साथ ही साथ एक चीज और है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एसेस करना। व्हाट इज दैट? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है कि अगर करेंटली हम किसी एक इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम किसी और इन्वेस्टमेंट में, मुझे अमाउंट कहीं और इन्वेस्ट हो सकता था, वो अपॉर्चुनिटी हमसे मिस हो रही है, ठीक। तो इसका असेसमेंट भी करके कौन देता है? फाइनेंशियल एनालिस्ट करके देता है। वो बताता है कि अदर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दैट यू आर गोइंग टू मिस बिकॉज यू आर इन्वेस्टिंग इन ए स्पेसिफिक प्लान, इसकी वजह से मतलब कितनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ रही है, इसको एसेस करना, रिस्क मैनेज करना, रिस्क एसेस करना, रिस्क के बारे में अवेयर करना कि अगर आप पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट करेंगे, या आप कंपनी के आसपास बात करें कि अगर कंपनी किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेगी तो उससे रिलेटेड क्या क्या रिस्क है। तो ये करते वो कैसे हैं? बाय यूजिंग द मैथमेटिकल स्टैटिस्टिकल टूल दैट दे लर्न ड्यूरिंग द कोर्स प्रोग्राम एंड इन द ट्रेनिंग पीरियड, एंड विद दैट they use the research methodology, they use the research methodology to compute कि कितना एक proper return, कितना return expect किया जा सकता है from the assets of the company and the asset that individual have. What individual can have as asset? Like we can say your saving, fixed deposit, your home, ठीक है, या फिर other assets that you have like car, इनके बिहाफ पे आप किस तरह का इन लोन पा सकते हैं, या आपकी सेविंग पे आप कितना अच्छा रिटर्न पा सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट, फाइनेंशियल एनालिस्ट एक्सप्लोर द बेस्ट प्लेसेस टू इन्वेस्ट, शेयर द सेम इंफॉर्मेशन विद देयर क्लाइंट्स। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि फाइनेंशियल एनालिस्ट का काम होता है रिसर्च का काम, ठीक, बेस्ट इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज के बारे में बताना अपने क्लाइंट्स को, ये इसका मेन जॉब रोल है। इसके साथ साथ अदर जॉब एस्पेक्ट क्या है, अदर जॉब प्रोफाइल क्या है, ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। सो हियर वी हैव लर्नड अबाउट हु इज फाइनेंशियल एनालिस्ट, नाउ लेट्स लर्न मोर अबाउट द फाइनेंशियल एनालिस्ट। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द स्पेशलाइजेशन इन विच फाइनेंशियल एनालिस्ट प्लेज द मोस्ट ऑफ देयर रोल, in which they are specialized, they have in-depth knowledge. The in-depth knowledge that they get while pursuing the course. So, ye jo in-depth knowledge that they get while pursuing the course, it helps them to get the specialization in following things. The things are like investment advisor. As an investment advisor, they have a specialization like in the field of securities market and investment scheme.
एज एन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर फाइनेंशियल एनालिस्ट प्रोवाइड करते हैं अपनी फाइनेंशियल एडवाइसेस, अपनी एडवाइसेस एंड सजेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ कि किस इन्वेस्टमेंट प्लान में इन्वेस्ट करना चाहिए, स्टॉक मार्केट में कब हमें सिक्योरिटीज को परचेज करना चाहिए, सेल करना चाहिए या होल्ड करके रखना चाहिए, कंपनीज को कब अपने शेयर्स इशू करने चाहिए, तो ये सारी चीजें एस्पेक्ट कवर करते हैं। ये सारी रिसर्च, ये सारी फाइनेंशियल एडवाइसेस प्रोवाइड करने का काम किसका है? फाइनेंशियल एनालिस्ट का है। They are specialized in the field of investment advisor. They have knowledge, in-depth knowledge that help them to gain the specialization as investment advisor. Next, research associate or analyst. Research associate and analyst, अभी मैंने आपको काफी सारी चीजें बताई थी, ठीक, जिसमें एक research factor involved था, जहां पे हमने फाइनेंस फील्ड में वेरियस एस्पेक्ट पे रिसर्च की बात करी थी। तो अगर हम इन टर्म्स से बात करें, फाइनेंशियल एनालिस्ट स्पेशलाइज्ड होता है किस फील्ड में? इन द फील्ड ऑफ रिसर्च एनालिस्ट, मतलब ही हैज द स्पेशलाइजेशन ऑफ रिसर्च एनालिस्ट आल्सो। बट यहाँ पे आप हर एक फील्ड के रिसर्च एनालिस्ट की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ फाइनेंस सेक्टर की बात कर रहे हैं। रिसर्च एक्सपर्ट है बट किस चीजों का? फाइनेंसेस का, ठीक है। अब फाइनेंसेस को किस तरह से मैनेज करना है, रिस्क असेस करना है, रिस्क रिलेटेड टू द फाइनेंसेस फॉर द कंपनी, फॉर द इंडिविजुअल लेवल, तो इन सब पे असेस करना, इन्वेस्टमेंट प्लान से रिलेटेड क्या रिस्क हो सकते हैं, या इंश्योरेंस सेक्टर में अगर हम बात करें, इंश्योरेंस प्लान के साथ क्या क्या रिस्क एसोसिएटेड है, उसके बेसिस पे प्लान प्रिपेयर करना, अपने कस्टमर या क्लाइंट को सजेस्ट करना एंड वो प्लान बना के देना, तो ये सारा काम आपका आता है किसके अंदर? फाइनेंशियल एनालिस्ट के अंदर। नेक्स्ट है फाइनेंशियल एनालिस्ट के रोल, मतलब दे आर स्पेशलाइज्ड इन द फील्ड ऑफ फाइनेंशियल एनालिस्ट। अब यहाँ पे अगर हम बात करें फाइनेंशियल एनालिस्ट की, तो दे आर स्पेशलाइज्ड इन द फील्ड ऑफ मैनेजिंग द फाइनेंसेस, मैनेजिंग द रिस्क ऑफ द कंपनी, सो दीज आर द रोल्स दैट दे प्ले। इक्विटी एंड सिक्योरिटीज एनालिस्ट, अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये दोनों एस्पेक्ट्स में बात हो सकती है। लाइक इफ वी टॉक अबाउट द कंपनी, कंपनी क्या करती है? अपने कंपनी के शेयर्स को इशू करती है इन द मार्केट, IPO रेज करती है। So, यहाँ पे भी एक रिसर्च फैक्टर है, ठीक है, कब इशू करना चाहिए, कितने IPO, किस रेट पे IPO को इशू करना चाहिए, ठीक है। सो इसमें जो रिसर्च एस्पेक्ट इन्वॉल्व है वो फाइनेंशियल एनालिस्ट इसमें रोल प्ले करता है। ऑल्सो अगर हम बात करें इंडिविजुअल लेवल की कि किन इक्विटी में परचेज करना चाहिए, किन सिक्योरिटीज को परचेज करना चाहिए, तो यहाँ पे रोल कौन प्ले करेगा? फाइनेंशियल एनालिस्ट, ठीक। तो बायर एंड सेलर दोनों के ही पार्ट पे जो रिसर्च इन्वॉल्व है वो काम कौन करेगा? फाइनेंशियल एनालिस्ट। नेक्स्ट है रिस्क मैनेजर। आई हैव टोल्ड यू रिस्क मैनेजर में यहाँ पे आपको जो रिस्क असेसमेंट है रिलेटेड टू फाइनेंस, अभी किसी की पार्ट में भी हो सकता है, किसी भी फील्ड में हो सकता है। बैंक में अगर बात करें, बैंक में क्या काम होता है? देखो, लोन्स प्रोवाइड करते हैं, अक्सर वहाँ पे देखते हैं कि NPA हो जाता है, मतलब ऐसे लोन्स जो रिकवरेबल नहीं होते हैं, ठीक। तो अगर हम देखें प्राइवेट बैंक्स की बात करें, स्पेशली प्राइवेट बैंक्स, ठीक, तो प्राइवेट बैंक में फाइनेंशियल एनालिस्ट की बहुत डिमांड है, ठीक है, क्योंकि बेसिकली अगर बात करें कि इजिली हमें लोन्स कहाँ से मिलते हैं? प्राइवेट बैंक्स में, ठीक है। तो प्राइवेट बैंक्स यूजुअली क्या करते हैं? अपनी लोन्स की स्कीम को इस तरह से डिजाइन करवाते हैं ताकि वो पर्सन टू पर्सन, कस्टमर टू कस्टमर वो प्रोवाइड किए जा सके, वेरी करें एंड वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करें, एंड इन टर्म्स पे वो प्रोवाइड करते हैं ताकि कस्टमर इजिली उन्हें एसेस कर पाए, उन्हें ले सके फ्रॉम दी बैंक्स, ठीक। तो ये सारा पैटर्न, ये जो वर्क हम देख रहे हैं कि बाय द टाइम देख रहे हैं कि कैसे एक प्राइवेट बैंक इतनी केपेबल है, इनफ है कि वो हर एक पर्सन को, आपके पास भी अक्सर कॉल आते होंगे कि लोन ले लीजिए। सो हाउ दीज प्राइवेट बैंक्स आर मैनेजिंग देयर फंड्स कि ये इतने इजी टर्म्स पे लोन प्रोवाइड करने के लिए रेडी है। तो यहाँ पे जो आप रिसर्च फैक्टर देख रहे हैं ना कि किन बेसिस पे डिजाइन हुए हैं प्लान, हियर फाइनेंशियल एनालिस्ट प्लेज द रोल, ठीक। सो फाइनेंशियल एनालिस्ट का काम होता है रिस्क भी असेस करना, अब वो चाहे बैंक के टर्म्स में हो, लोन्स पे हो, कि किस तरह के लोन डिजाइन होने चाहिए, लोन प्लान्स डिजाइन होने चाहिए जो कि प्रोवाइड किए जा सकते हैं क्लाइंट को। इसी तरह अगर हम बात करें इंश्योरेंस सेक्टर की, इंश्योरेंस में भी वेरियस प्लान होते हैं, मेडिकल, कार एंड मेनी अदर, लाइफ, ठीक। तो इन प्लान्स को भी डिजाइन करने में हेल्प करना, ये देखना कि इसमें कितना रिस्क इन्वॉल्व है, एक कंपनी अभी किस लेवल पे है, आगे ग्रो करने के लिए किस तरह के फाइनेंसिस की जरूरत है एंड कितने रिस्क वेरियस इन्वॉल्व है। अगर हम फ्यूचर में ग्रो करेंगे या पर्टिकुलर प्रोजेक्ट टेकअप करेंगे या मर्जर एंड एक्विजिशन करेंगे दूसरी कंपनीज के साथ, इन सभी डिसीजन में जो भी रिस्क इन्वॉल्व होगा उसका असेसमेंट करने का काम किसका है? फाइनेंशियल एनालिस्ट का। सो दीज आर द स्पेशलाइजेशन दैट यू मे गेट इफ यू परस्यू द करियर एज फाइनेंशियल एनालिस्ट।
अगर आप करियर सेलेक्ट करते हैं कि आपको आगे जाके फाइनेंशियल एनालिस्ट बनना, देन यू विल बी हैविंग स्पेशलाइजेशन इन दीज थिंग्स. सो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन. हम नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे अदर एस्पेक्ट्स के बारे में. अदर एस्पेक्ट्स में हम डिस्कस करेंगे वेरियस थिंग्स अबाउट द फाइनेंशियल एनालिस्ट दैट यू नीड टू नो बिफोर यू परस्यू द करियर एज द फाइनेंशियल एनालिस्ट. टिल देन टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड. थैंक यू.